आज हम सीखेंगे पनीर पराठा बनाना। पनीर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, इसमें डालेंगे 2 कटोरी आटा, 1 टीस्पून अजवाइन, इसको हाथ से क्रश कर लिए हैं, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून डाल देंगे। आटा में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करके रेडी कर दिए हैं, उसको 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक इसका स्टफिंग बना लेंगे। उसके लिए बाउल लेंगे, 200 ग्राम पनीर ले लिए हैं, इसको ग्रेट कर लेंगे। इसी तरह से सारा पनीर को ग्रेट कर लेंगे। सारा पनीर को ग्रेट कर लिए हैं, अब इसमें डालेंगे मसाला। मसाला के लिए हम 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिए हैं, इसको फाइन चॉप कर लेंगे 4 से 5। हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता। इसमें डाल दिए हैं फाइन चॉप करके, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब डाल देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आटा में भी नमक डाले हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा सामग्री को बना के रेडी कर लिए हैं। थोड़ा थोड़ा आटा का लोई लेंगे, आटा को कटोरी की तरह बनाएंगे इस तरह से। इसमें स्टफिंग भरेंगे पनीर का। इसको बेल लेंगे, सेम प्रोसेस से सारा पराठा बना के रेडी कर लेंगे। सारा पराठा बना के रेडी कर लिए हैं, अब इसको सेक लेंगे। इसके लिए पैन चढ़ाएंगे, पैन गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे रोटी, इसको दूसरी तरफ से पलट लेंगे। दूसरी तरफ से अच्छी तरह से सेका गया है, अब इसमें घी डाल देंगे। उसके बाद दोनों तरफ से घी डाल के सेक लेंगे। इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसी प्रोसेस से सारा पराठा बना के रेडी कर लेंगे। सारा बना के रेडी कर लिए हैं, गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसका प्लेटिंग कर लेंगे, इसको सर्व करेंगे धनिया और आंवला की चटनी के साथ और टोमेटो सॉस के साथ। बन के तैयार हो गया पनीर पराठा। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।